विश्व के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार लेक सिटी उदयपुर की खूबसूरती को हवाई मार्ग से निहारना रोमांचित कर देता है। फर्स्ट इंडिया की टीम ने दर्शकों के लिए हॉट एयर बलून की सवारी की और उदयपुर के खूबसूरत नजारों को दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की, तो करीब एक घंटे की बैलून सफारी में 4,000 मीटर तक की ऊंचाई से लेक सिटी के खूबसूरत नजारे देखने को मिले। एक निजी कंपनी ने राजस्थान में जयपुर पुष्कर और रणथंबोर के बाद उदयपुर बलून सफारी की शुरुआत की है, तो एक विशेष प्रकार के मजबूत कपड़े से निर्मित इस बलून को उड़ाने के लिए एलपीजी गैस का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही इस बलून में एक बार में पायलट के अलावा 8 लोग बैठ सकते हैं। एक बार में ये बलून 2 या 3 घंटे तक उड़ सकता है। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर उदयपुर में पर्यटन नगरी को एक नई सौगात मिली है, पर्यटकों को एक नई सौगात मिली है। बलून सफारी यहां पर शुरू हुई है। प्रशासन ने जल्द पहले ये कहा था कि जल्द ही बलून सफारी होगी और पर्यटकों को एक नई सौगात मिलेगी, एक नया एडवेंचर मिलेगा। हम अभी करीब 4,000 मीटर की ऊंचाई पर हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से उदयपुर की जो झीलें हैं, फतेह सागर झील जो दिख रही है, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। उदयपुर को जो माना जाता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है और पर्यटकों की नगरी से जो भी पर्यटक आया है खूबसूरती अपने संजो के ले गया है। और जिस तरह से कभी लोगों ने ये सोचा था कि आसमान से उदयपुर कैसा लगता है, तो ये एडवेंचर जो शुरू हुआ आसमान से उदयपुर को दिखाने के लिए जो एडवेंचर शुरू हुआ, कुछ पर्यटक हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं और किस तरह से इस राइडिंग का वो ले रहे हैं। खूब ही मजे आ रहे हैं, ऐसा कोई बैड डर नहीं लग रहा, अच्छा नजारा। सुबह सुबह का नज़ारा देखने का अलग ही मज़ा आ रहा है। इससे पहले जब आप अंदर बैठे थे तब उस टाइम थोड़ा सा कि भय लग रहा था, लेकिन अभी मजे आ रहे हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सेफ है जी। आप बताइए, पर्यटन नगरी को एक नई सौगात मिली है, बलून सफारी मिली है, तो कैसा लगता है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एक एडवेंचर की तरह से है ये और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे सुबह का नज़ारा देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर उदयपुर है, उसके भी एक अपनी पहचान है खूबसूरती की।